मैं प्रांशु राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। लोकसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं, चंद महीने जहां एक तरफ बाकी हैं, और इन चंद महीने पहले ही कांग्रेस खेमे की तरह से तमाम अहम ऐलान किए जा रहे हैं। बात कर ली जाए कि आखिरकार गांधी परिवार की तरह से किसे उतारा जाएगा लोकसभा चुनाव में, तो चर्चा का विषय ना सिर्फ कांग्रेस नेता राहुल गांधी हैं बल्कि दूसरी ही तरफ कांग्रेस कमेटी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी भी हैं जो इस वक्त रायबरेली से सांसद हैं, और उन्हें लेकर सवाल उठ रहे हैं कि इस बार सोनिया गांधी किस लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे। तो अब देखा जाए बेहद बड़ा ऐलान किया जा चुका है। आपको बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने साफ तौर पर कहा है कि श्रीमती सोनिया गांधी तेलंगाना से लोकसभा चुनाव लड़ती हुई अब नजर आएंगी। दरअसल आपको बता दें कि तेलंगाना से उनके चुनाव लड़ने की खबरें पहले भी सामने आई थी और उस वक्त दावे किए गए थे। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी के नाम पर विचार विमर्श चल रहा है। अब देखा जाए तो सोनिया गांधी को लेकर ये खबरें और भी तेज हो चुकी हैं क्योंकि रेवंत रेड्डी भी अब ऐलान कर चुके हैं। मालूम हो कि तेलंगाना में विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस ने जीत हासिल की है और कांग्रेस की सरकार यहां पर ऐलान करती हुई नजर आई है। ऐसे में अब यहां पर सवाल ये उठते हैं कि सोनिया गांधी रायबरेली से जो सांसद है तो रायबरेली से कौन चुनाव लड़ेगा इस बार, क्या वाकई में उनकी बेटी प्रियंका गांधी वाड्रा मैदान में उतरती हुई नजर आएंगी या फिर राहुल गांधी, क्योंकि राहुल गांधी को लेकर अटकलें तेज हैं। जिस तरह से यूपी कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने अपनी बात रखी कि राहुल गांधी का अमेठी से चुनाव लड़ना इस बार तय है, लेकिन दूसरी ही तरफ वायनाड से चुनाव लड़ने की उनकी खबरें भी सामने आ चुकी हैं। अब देखते हैं कि आने वाले समय में राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ते हैं या फिर रायबरेली या फिर अमेठी से, और अगर राहुल गांधी का तय हो जाता है तब ये देखना होगा कि प्रियंका गांधी मैदान में उतरेंगी या नहीं। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही, बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।